सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रतन राहत, डायरेक्टर हूँ। ऐसे भोजपुरी फिल्म तकरार की आज रिकॉर्डिंग है। तो हमारे सामने में राकेश जी हैं, निशा दुबे जी हैं एंड गिरीश जी हैं और लवली सिंह जी हैं, हमारे शिवा अग्रवाल जी। तो मैं मिलाता हूँ शिवा अग्रवाल जी को। ये हमारे फिल्म के इसमें इंस्पेक्टर के रोल कर रहे हैं और इनके लवर बने हुए हैं लवली सिंह, और कमिश्नर हैं जो इस फिल्म के वो गिरीश जी हैं। गिरीश जी के बड़े पुत्र बने हुए हैं राकेश मिश्रा जी, और उनके राकेश मिश्रा जी के जो लवर हैं वो हैं निशा दुबे। आपके कोई लवर नहीं है? हमारे कोई लवर नहीं है, डायरेक्टर का कोई लवर नहीं, डायरेक्टर का कोई लवर। लवली जी आपकी पहली फिल्म में कुछ बताएंगे? आई थिंक ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, हमारी कई सारी फिल्म है, लेकिन रतन राहत जी का ये मेरा पहला फिल्म है तकरार। कौन कौन सिनेमा आपका है बताएंगे, कहाँ की रहने वाली है? जी मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। अभी हमारा रिलीज होने वाला 15 अगस्त को आखिरी हफ्ते। अच्छा, इस सिनेमा के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या किरदार है आपका? कुछ इसमें हमारी हीरोइन का किरदार है जो कि मैं इनसे तकरार करती हूँ, ये हमारी भाभी बनी हुई है इस फिल्म में, मैं इनकी ननद बनी हुई हूँ। सोच लीजिए आप से तकरार है हमारी, दोनों जगह झगड़ा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, आई थिंक मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ बताया गया। अच्छा, तो मैं बता रही हूँ। चलिए, अभी राकेश जी से मुलाकात पहले हुई आपकी? जी नहीं, ये हमारी पहली बार है। इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अच्छे बुरे कुछ? नहीं नहीं, मैं बुरा तो नहीं कहना चाहूंगी, क्या ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाते भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और मैं चाहूंगी कि आगे भी बहुत अच्छे गाएं। सब किसी को हर हर महादेव। सर आप कौन है जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी मेरा शुभनाम आदित्य मोहन हुआ और दादा की फिल्म में कर रहा हूँ एक छोटा सा कैरेक्टर। ये आदित्य मोहन दुबे, दुबईन बाड़ी साथ में तो दुबे बोलेगा पड़े। सब पंडित हैं यहाँ पे जी। लवली सिंह राजपूत हूँ। हम 1, 2, 3, 4 लोग सब कलाकार हैं भाई। मिश्रा जी आपके बाद में राकेश मिश्रा जी हैं, कुछ कहेंगे? आप दोनों अच्छे सिंगर नजर आ रहे हैं। राकेश जी बहुत ही अच्छे इंसान है, हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, तुम्हारी ट्यूनिंग भी अच्छी है एंड उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। आदित्य जी आप कुछ कहेंगे? उम्मीद करता हूँ मैं भी अच्छा परफॉर्म करूंगा इन सबके साथ। रतन जी के साथ आपको फर्स्ट मूवी से पहले? हाँ, दादा के साथ हमारी पहली फिल्म है, पिछले 6 साल से प्लानिंग चल रही थी, शायद दादा की 2-3 स्क्रिप्ट में बस पड़ी हुई है, पर इस बार मौका मिला, कर रहे हैं साथ में काम, उम्मीद है कुछ धमाल करेंगे। और भाई के साथ हमारी दूसरी फिल्म है और सेम छोटा भाई बड़ा भाई। शिवा इस फिल्म पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, परिचय है कुछ कहेंगे बारे में? शिवा जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ग्रेट विशेस, खूब अच्छी फिल्म करे, खूब अच्छी फिल्म बनाए और खूब अच्छे से मेकिंग करे, साथ में एक्टिंग भी करे, काफी पावरफुल कैरेक्टर है उनका, पढ़ा मैंने, मजा आएगा सेट पे। गिरीश जी अब लवली जी के बारे में कुछ कहेंगे? कैसी लग रही है? आर्टिस्ट है जैसा कि लोगों ने बताया, थैंक यू सो मच, अच्छी आर्टिस्ट है। राकेश जी के साथ हमारी दूसरी फिल्म है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उसमें भी मधुबाला में भी इनके फादर था, और जबरदस्त एक्टर राकेश, इसमें दो मत नहीं, हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, मेरा तो प्यारा बेटा तुल्य ही है, इसमें तो दो मत है नहीं, मैं उसे मानता भी हूँ। और आदित्य जी के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है, जब मैं एक बच्चे थे तो एक छोटे किरदार में इन्होंने रोल किया था, तो राकेश के साथ इसमें भी मैं फादर हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी ये जोड़ी आगे भी रहेगी ऐसा मैं तो सोच रहा हूँ, और राकेश सोचे या ना सोचे मुस्कुरा रहा है, मैं चाहूंगा कैमरा वाले चाहिए, कुछ ना कुछ हिसाब किताब चल रहा है, इसलिए आगे भी राकेश रहेंगे मेरे साथ। आपको नहीं लगता वो किसी आ रहा है फादर के रोल में हीरो आना चाहिए था साथ में? इनको हमको हीरो आना चाहिए, हमको हीरो का कोई तमन्ना नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा मिसकास्ट सिनेमा नहीं करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ विलन हीरो बनना चाहते हैं, मैं ऐसा मिसकास्ट सिनेमा को बॉम्बे हीरो एक फिल्म में था लेकिन अभी विलेन तरह का ही रोल था, उसमें डकैत बना था, सैया बेदर्दी फिल्म, लेकिन मैं विलेन ही बनना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ 60-70 फिल्में हो गई, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर लिया, मुझे कोई शौक नहीं है दूसरा कैरेक्टर करने का, और खाली दादा के फिल्म में मैं एक अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर करता हूँ, जो दादा से का एक आशीर्वाद है, रतन राज जी का तो मैं फैन हूँ, इसमें तो दो मत है नहीं, तो इसलिए हमारी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा कप्तान अच्छा है, तो मुझे लगता है कि
सब कुछ अच्छा होगा, सबसे बड़ी चीज। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दादा का धन्यवाद क्या, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, सबसे बड़ी चीज सीनियर है। जब एसोसिएट डायरेक्टर थे तो मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, मल्यूट जो बहुत बड़ी फिल्म थी, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, तो धन्यवाद के पात्र नहीं, आशीर्वाद हम लोगों को दे, हमें चाहिए। थैंक यू सर, फोटो मार लो, फोटो है कि नहीं, फास्ट फास्ट नहीं घुमाने का, धीरे धीरे घुमाने का, कैमरामैन थोड़ा है।